राहुल गांधी ने आज वो कर दिया है जो आज तक नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पर पक्षपाती होने का आरोप तक चढ़ दिया। आपने इस हमले को तीखा करते हुए राहुल गांधी दो बार लोकसभा के वेल में घुस गए। राहुल गांधी प्रश्नकाल को रद्द करके सांप्रदायिक हिंसा पर बहस कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी मांग ठुकरा दी थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सिर्फ एक आदमी के लिए पूरी व्यवस्था चलाई जा रही है। कंप्लीटली वन साइडेड पार्शियलिटी, यू नो दैट डिस्कशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगस्त 2014 को भारतीय राष्ट्रीय राजनीति की यह सबसे बड़ी घटना थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष लोकसभा के वेल में थे, पार्टी के सांसदों का जत्था उनके पीछे था, मांग थी प्रश्नकाल स्थगित करके हाल में हुई सांप्रदायिक घटनाओं पर चर्चा कराने की। नतीजा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राहुल पूरे रौ में थे और रौद्र रूप में भी। 16वीं लोकसभा में पहली बार राहुल गांधी किसी मुद्दे पर इतने सक्रिय दिखे। इसी सक्रियता में उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप जड़ दिया। नारेबाजी और हंगामे के बीच सदन से बाहर निकले राहुल गांधी ने कहा कि सरकार लोकसभा के भीतर चर्चा नहीं होने दे रही है, सदन में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बिना नाम लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि केवल एक आदमी की आवाज सुनी जा रही है। It's completely one-sided partiality, you know. That discussion is not acceptable. This, everybody feels it. Their party feels it, we feel it, everybody feels it. There is a mood in parliament that only one man's voice counts for anything in this country. हालांकि राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस के नेता नहीं हैं, लेकिन उनके नेतृत्व से बिखरी हुई पार्टी की बांछें खेल उठी। कांग्रेस के गागर से उत्साह का गागर फूट पड़ा था। स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो निष्पक्ष नहीं है, मैं कह रहा हूं उनको निष्पक्ष होना चाहिए। अब तो हंगामा मच गया। बीजेपी और एनडीए की पार्टियां राहुल गांधी पर टूट पड़ी। राहुल गांधी ने दो आरोप लगाए थे। पहला आरोप ये कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति की रहनुमाई कर रही है और दूसरा ये कि लोकसभा की अध्यक्ष निष्पक्षता भूल रही है। स्पीकर साहिबा पे सवाल उठाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम जानते हैं कि कांग्रेस परेशान है और राहुल जी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को संसद के अंदर लाना चाहते। एक बार नहीं, दो दो बार वेल के अंदर पहुंच गए राहुल। आमतौर पर बड़े नेता वेल में आने से परहेज करते हैं, लेकिन राहुल जैसे बदल गए थे। छोटी पार्टी के बड़े नेता के इस रूप पर शिवसेना ने भी चुटकी ले ली। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस छोटी पार्टी बन गई है और छोटी पार्टी के सांसद अक्सर वेल में आ जाते हैं। अगर पहले से जाग उठते तो कांग्रेस की ये इतनी बुरी हालत नहीं होती, लेकिन ठीक है, वेल में आने से राहुल गांधी देश के सामने आए हैं कि कांग्रेस छोटी पार्टी है, छोटी पार्टी के लोग हमेशा वेल में आते हैं। लेकिन विपक्ष की छोटी गिनती पर निश्चिंत बैठी बीजेपी की चिंता उसके बड़े नेताओं के ललाट पर छलक आई थी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते जिस तरह सदन में मुख्य विपक्ष कांग्रेस पार्टी व्यवहार कर रहे, उससे मैं दुखी हूं। दुखी होना स्वाभाविक है। राहुल गांधी ये संदेश देने में कामयाब रहे थे कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में जब से नई सरकार आई है सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए हैं। इस पर लोकसभा की अध्यक्ष ने खड़गे से कहा कि वो घटनाओं का जिक्र करें। फिर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि खड़गे की बात गलत है और देश में अमन चैन है। बीजेपी कितनी विचलित हो गई थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बचाव में जनादेश का सर्टिफिकेट पेश करना पड़ा। सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री तानाशाह न तो तानाशाह है और न तो कमंडल है। यदि वह तानाशाह और कमंडल रहे होते तो मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा भारत देश, यहां की जनता यह मैंडेट न देती।
लोकसभा रुकती रही, चलती रही, हंगामा होता रहा, मंत्री बोलते रहे, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और सबका दावा यह है कि देश को लेकर वही सबसे ज्यादा फिक्रमंद है। देश पूछ रहा है कि क्या यह सारा हंगामा वाकई हमारे लिए है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए अजय झा के साथ अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट। तस्वीरों पर गौर किया आपने? राहुल गांधी जब वेल में घुसे हुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में ही मौजूद थे। राहुल का साथ देने के लिए कांग्रेस के दूसरे सांसद भी आ गए थे वेल में, और जब हंगामा बढ़ने लगा तो वो अपनी सीट से उठे और लोकसभा से निकल गए। ये तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया होगा? राहुल गांधी वेल में और प्रधानमंत्री उसी समय उठकर चले गए और ठीक उसी समय कार्यवाही स्थगित कर दी स्पीकर ने। राहुल गांधी के हमले पर बीजेपी जवाबी हमला तो कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बुरी तरह चोट खा चुकी है, क्योंकि भारत में पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष को पक्षपाती होने के आरोप पर सदन से बाहर निकलकर सफाई देनी पड़ी है। एनडीए के नेता कांग्रेस को छोटी पार्टी और राहुल को छोटी पार्टी का नेता बताकर ऊंचा दिखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन राहुल के बनाए घेरे से बाहर कोई नहीं निकल सका। लोकसभा के अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर रक्षा मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू तक इस घेरे में छटपटाते हुए नजर आए। मेरी कोशिश ये जरूर जरूर रहती है कि मैं सभी पार्टियों को, केवल किसी एक नहीं, सभी पार्टियों को महत्व देके उनकी बातें समझ करके और सबको भोका दूं, ये मेरी कोशिश रहती है। कोई अब देखो जिसको एलिगेशन लगाना, उसको मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपना काम प्रामाणिकता से करने की कोशिश कर रही हूँ। संसदीय इतिहास में पहली बार लोकसभा की अध्यक्ष को अपनी निष्पक्षता पर ऐसे टीवी कैमरों के सामने सफाई देनी पड़ी है, बाहर आकर अपनी निष्पक्षता की दुहाई देनी पड़ी। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष पर इतनी बड़ी तोहमत इसलिए लगाई थी कि मोदी की सरकार आने के बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ने के मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोप पर सुमित्रा महाजन उन्हें सरकार के पक्षकार की तरह नजर आई थी। माने खड़गे जी, कहां विशेष कहीं कुछ हुआ हो तो आप बताइए, पूरे देश की बात नहीं, कुछ दंगा हुआ तो बताइए, नहीं तो बात आपकी हो गई। इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा पर प्रश्नकाल स्थगित करके चर्चा कराने से अध्यक्ष ने इनकार कर दिया था, और इस इनकार पर राहुल गांधी ने राजनीति का ऐसा चौका मारा कि चारों खाने चित्त हो गई बीजेपी। लाइन लग गई सफाई देने वालों की। शाहनवाज हुसैन आए, राजीव प्रताप रूडी आए, अनुराग ठाकुर आए, मुख्तार अब्बास नकवी आए, राजनाथ सिंह को आना पड़ा और फिर आखिर में अरुण जेटली को भी। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने ये आरोप लगाया कि सदन में उनको बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। ये एक विचित्र आरोप है, क्योंकि हर विषय पे चर्चा हो रही है, हर विषय पे बोलने का अवसर दिया गया। ये दूसरी बात है कि कुछ नेता ऐसे हैं जो सदन में बिल्कुल बोलते ही नहीं हैं। जो नहीं बोलते वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। अरुण जेटली बोल तो गए थे, लेकिन उनके जवाब में वजन की कमी थी। राहुल गांधी का हमला कितना तीखा था, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को खुद सदन से बाहर निकलकर सफाई में पेश होना पड़ा। राहुल गांधी ने आसन पर ऐसा आक्षेप लगाया था कि वो तिलमिला उठी। राहुल गांधी, दूसरी बात अब मुझे बोलने दो, मैम बोलिए। एक ही व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं, मैं भी तो हूँ। राहुल गांधी ने अपना काम कर दिया था और अपनी राजनीति भी, सांप्रदायिक हिंसा से लेकर सरकार के रुख और लोकसभा अध्यक्ष के निष्पक्षता तक को एक साथ लपेट लिया था, और अध्यक्ष से लेकर बड़े बड़े मंत्री तक सफाई देते घूम रहे थे। कांग्रेस का नेतृत्व आजकल दबाव में है, उनके घर में एक विद्रोह हो रहा है, एक पैलेस कू हो रहा है, और दिन प्रतिदिन उनकी पार्टी के नेता अपने नेतृत्व की क्षमता को लेकर प्रश्नचिन्ह उठाते हैं, और इसलिए अपने नेताओं को यह दिखलाना कि हम आक्रामक भी हो सकते हैं, इसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सदन या सभापति पे आरोप लगाना ये उसका तरीका नहीं हो सकता। राजनीति तो दिखाने को ही कहते हैं,
नींव का पत्थर रखने से लेकर रॉकेट का बटन दबाने तक सब दिखाना ही तो है। अगर राहुल ने भी दिखाने के लिए किया तो अपनी राजनीति की, ऐसी राजनीति कि पूरी बीजेपी के लिए दरकिनार करना मुश्किल हो गया। कभी कहेंगे हमें नेता विरोधी दल बना दो, तो कभी कहेंगे जी एक देश जो है कमनल राइट हो रहा है, तो कभी कुछ, तो इस तरह का जो हार का हैंगओवर है, उस हार के हैंगओवर को उतारने के लिए उन्हें कुछ जाल बुक करानी चाहिए। राहुल की जाल में बीजेपी फंस गई है, क्योंकि वो राहुल गांधी के इस आरोप का जवाब नहीं दे पा रही है कि वो एक आदमी कौन है जिसकी वजह से उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है और जिसके लिए लोकसभा की कार्यवाही चलाई जा रही है। अगर राहुल गांधी कहीं बार बार ये बोलने लगे और विपक्ष के बाकी दिग्गजों ने उसमें अपनी हाँ मिला दी तो बीजेपी के लिए संसद में विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो जाएगा। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए अजय झा की रिपोर्ट। राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट में एक किसान दाम्पत्ति की आत्महत्या से राजनीति पर उठे सवाल की खबर लेते हैं। संविधान कहता है कि हम कल्याणकारी राज्य हैं और गढ़वा के एक गांव का किसान अपनी पत्नी के साथ इसलिए जहर खाकर मर जाता है कि उसके पास खाने को पैसे नहीं थे। आप ये रिपोर्ट देखिए, सोचिए और अपने आप से पूछिए कि क्या वाकई हम जिस देश में रहते हैं उसके लोकतंत्र का सूरज हर आंगन तक पहुंचा है। धरती अपनी धुरी पर रुक गई जब टेम्पो के डाले से लाशों का जोड़ा उतार कर जमीन पर रखा गया। ये दो लोगों की नहीं, इस लोकतंत्र के एक हिस्से की लाश थी। बड़ी अदालतें, अदालतों में बैठे बड़े बड़े जज, इतनी बड़ी संसद, संसद में बैठे बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े बैंक, बैंकों में बहुत बहुत रुपया, इतने बड़े बड़े अनाज के गोदाम, गोदामों में लबालब भरा हुआ अनाज। तो झारखंड के गढ़वा में गणतंत्र के ये सारे गणदेवता कहाँ थे? ये दोनों लाशें देश की आत्मा पर सवाल बन गई हैं। परिवार की आर्थिक तंगी और उनका कहना था कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ अब तक कुछ नहीं किया है, जिससे तंग होकर वे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत संघर्ष किया था अपनी सांसों को बचाने के लिए, लेकिन आखिर में हार गए थे पति पत्नी। बलीगढ़ से पुलिस को फोन किया, अपनी व्यथा बताई और सल्फास की गोली खाकर सो गए। इन दिनों रामानुजगंज में रह रहा था, गांव की सारी संपत्ति बेचकर वहीं चाट वगैरह की दुकान किया करता था। आप ही बताइए, रंका के बलीगढ़ गांव के लिए इस देश की राजनीति के क्या मायने हैं? खेती से पेट नहीं भरा तो खेत बेचकर दुकान खोल ली और दुकान चली नहीं, कर्जदार सिर पर बैठ गए थे, किसान का दिल दहशत से बैठ गया था। पुलिस को पूरी बात बताई थी, लेकिन वो पहुंची तब जब चलता फिरता शरीर पंचनामे का सामान बन चुका था। बेबसी के घर में बस एक बेटी बच गई है माँ बाप की हालत और अपने हालात पर बयान देने के लिए। भूख से कारण से लोगों ने अगर आत्महत्या कर लिया सल्फास खाके, तो मैं समझता हूँ आज के तारीख में यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि खाद्य सुरक्षा कानून देश और राज्य में लागू हो चुका है। चाहिए तो बहुत कुछ, हमने संविधान को पढ़ा है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, जिस दिन से बना है उसी दिन से, लेकिन अगर ये सच है तो फिर छटाक भर अनाज के लिए छटपटा कर क्यों मर रहे हैं इस देश के अन्नदाता? जिला प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा, राज्य सरकार को सतर्क होना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति भूख के कारण आत्महत्या न करे। यह जिम्मेवारी सरकार की बनती है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको गंभीरता से देखना होगा। अब जरा याद कीजिए संविधान की उस प्रस्तावना को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या यह महान सूत्रवाक बलीगढ़ की इन दो लाशों के लिए भी था?
न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट।